हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। क्या हाल चल रहा है? बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 14 फरवरी की कहानियाँ जो मेरे साथ घटी है, सेक्सी वाली। मैंने क्या सोचा था भाई, क्या सोचा था और क्या निकला? मैंने ये सोचा था, ये वाला मुझे दिख रहा है, ये सोचा था। तो फिर क्या हो गया? आज मैं फकिंग की तरह मातर चौथ फक करने चला। दूसरी का फिर लंड नहीं उठ रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे लंड उठ जाता तो अभी यहाँ पे नहीं होता। मैं सेक्स करने चला गया था भोसड़ी का। मैं खुद को गाली नहीं दे रहा हूँ, समझ सकते हो। तो ये बात होगी, ऐसी बात होगी ना माता जो केस करने के लिए, मतलब कि मैंने सोचा कि आज मैं कुछ कर दूंगा और आज शाम को मेरा ओयो बुक हो जाएगा। पर ओयो तो दूर की बात है भाई, पहले टच करना तो दे। वो ये तो दूर की बात है, राइट। ये बात होगी बेटा, ये देखो माता चुप चुप चुप, तेरे से किसने कर चुप, ये बोल रहा मेरे से करने के लिए, उसको छोड़ दे। ये होते यही दिक्कत है मेरी। एक लड़की के सेक्स करने के चक्कर में मैं उसके पीछे गया। मतलब कि सुन क्या हुआ, मैंने कल एक गिफ्ट बनाया रात को, पूरा 3 बजे तक जग के। मैंने सोचा कि कल जाके उसको दे दूंगा गिफ्ट। तो गिफ्ट देने के लिए मैं चला गया कल। मैंने सोचा कि वो आई है, मतलब कि ये 6 घंटे का क्लास रहता है, 6 घंटे में 5 घंटे तो आई ही नहीं। 6 आवर में आ गई, 1 घंटे के लिए 2 घंटे का लैब था उसमें आ गई। 1 घंटे पहले लैब छूट गया, तो मैं उसका ही वेट किया कर रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, कब ना आएंगे बाहर। 1 घंटा वेट किया पूरा मैंने, तो 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है एक लड़के के लिए बिना फोन यूज के, मतलब चुपचाप में लंड चूसते हुए बहुत मुश्किल होता है ना। वैसे लंड चूसते हुए बैठ खड़ा हो गया वहाँ पर। मैं लंड चूसता रहा, देखता रहा। वो देख रहे थे मैं क्या करता हूँ। ऐसा जो वॉच होता है ना, मेरा वॉच जो डिजिटल वॉच होता है उसमें अगर ऐसे रखूंगा ना तो रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने रिफ्लेक्शन लाइट वाला देखा, मतलब कि अगर सामने वाला पर्सन कोई दिख रहा है तो आपको वॉच में दिखेगा धब्बा। तो मैंने क्या कहा, उसको मैंने इनडायरेक्टली देखना छोड़ के वॉच को ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि अगर तुम आप समझो कि वैसे बैठते हो, राइट, तो सामने पर्सन देख रहा है, आपको देख रहा है, नहीं ऐसे करके आप देख सकते हो। तो मेरे को उस टाइम को लॉ याद आ गया। मैंने सोचा यार साइंस का कभी तो फायदा हो चुका है, बायोलॉजी का तो बहुत बार कर चुके हैं, पर फिजिक्स का कब करेंगे? तो अभी तो कर रहा है मौका। तो मैंने पूरा आधा घंटा उस पर यूज किया और देखता रहा उसके तरफ। क्या सेक्स की लाइफ थी भाई, फकिंग भाई। 14 फरवरी हर दिन आनी चाहिए, मतलब छोटा हर दिन काटना चाहिए भोसड़ी का। चलो उसके बाद क्या हुआ वो छोड़ दो। उसके बाद आगे चलते क्लास एंड होगी। फिर उन्होंने मेरे को प्लान किया, वो 6 लोग थे, उन्होंने प्लान किया कि 2 उस साइड से जाना, 2 उस साइड, 2 गेट है, 2 साइड जाना। 2 लोग उस साइड में, 2 के पीछे भाग रहा, मतलब कि मैं चूतिया निकला, 2 के पीछे भाग रहा। माधव तो एक गेट से निकल गया, तो उस गेट को कॉल किया मैंने, कहाँ पे? वो बोले तो निकल गया यहाँ से। दौड़ते पता है उसकी पिक्चर है। मैंने सोचा अभी रुकाऊंगा, तो कान में इतनी दम नहीं है ना, कान में दम होनी चाहिए ना रुकने के लिए। तो मैं उसको रुका, मतलब कि अंदर से फीलिंग आ रही है भाई, उसको रुका ले भाई। जब हाथ से निकल जाए ना, तेरे सामने कोई और प्रपोज करेगा ना तब पता चलेगा तेरे को। दुख समझ सकते हो आप लोग, आपके सामने आपके क्रश को अगर कोई प्रपोज करेगा मादर से, तो क्या करोगे? लंड में से लंड निकालोगे ना, बोलोगे ना भाई क्या करो, मैं अपना लंड मारते मुठ मार के मेरा हाथ दुख रहा है, अभी जस्ट मार के आओ मैं मुठ, राइट। वैसा हो सकता है, ये बात है पूरा। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, तो टाइम है तो संभल जाओ, और जो आपकी वैल्यू ना करो उसे छोड़ देना बेहतर है। मैं आज तो समझदार हूँ। के बाद मुझे पीछे चला गया। मैंने गिफ्ट बनाया था, मैं खुद के हाथों से बनाया था, ऑनलाइन मंगाया था, पर आज फर्स्ट टाइम खुद के हाथों से बनाया था। रात को 3 बजे तक, मॉर्निंग को 6 बजे क्लास थी, 2 घंटा सोया बस। अभी नींद है आपको, तब स्ट्रीम कर रहा हूँ, समझ सकते हो आप कितनी मेहनत हो। एक सब्सक्राइब वाला बटन पहले दबा दो। इस स्टोरी का क्लाइमेक्स बैंगलोर के 7 वाला है, बहुत सेक्सी वाला होगा वो। तो अभी थोड़ा अंगद एनर्जी नहीं है, जब एनर्जी आती है ना भाई बहुत अलग फीलिंग करता है। तो गया उसके बाद उसके पीछे गया, उसके तो जस्ट गेट था हॉस्टल का, वहाँ पे रुका है उसको मैंने। सुन दीक्षा, मतलब कि एक नाम पर्सन का, मतलब कि आप एक्स वाई बोल के होता है, एक्स ऐसे बोल के, ओ अदिति बोल के से उसको मतलब रुकाने की कोशिश की। मतलब कि एक नाम था उसका, राइट, मतलब कि ओ प्रिया पिया पिया ऐसे करके मतलब उसको रुकाना कोशिश किया। भाई सुन नहीं रही माधव चौथ, आगे भागते जा रहे जैसे इसके ऊपर कान मार रहा हूँ जाके टक से, जैसे मैं कंडम लेके आया हूँ। माधव चौथ मेरे साथ दो तीन, मैं बोल रहा हूँ चलो ये मेरे साथ, माधव चौथ तेरी कान मार दूंगा, ऐसे भाग रहे अंदर। भाई उस साइड से देख, भाई मैं बुला रहा हूँ भाई आज 14 फरवरी सुनो, तो सुन रही ना कोई लड़कियाँ तो सुनो भाई आज 14 फरवरी गाँव में लन डालना होगा ना तो मत आओ भाई, कान में चूस के बैठ लो जहाँ बैठना, बाहर ही मत आओ समझ गए। तो बाहर आते हो हमने क्यों जाते हो, कान चूता नहीं क्या अपनी क्या नहीं है ना, तुम हाथ कान मारो ना हमारे तो परेशान क्यों करते हो फिर लौड़ो। ऐसा हुआ भाई मेरे साथ, तो फिर तो अंदर चले गए हॉस्टल के अंदर, फिर क्या कर सकते, मुंह मारते हुए अपने को बैठना। फिर आ गया हॉस्टल, पूरा डिप्रेशन टाइप आ गया, से रोने के मूड में आ गया। फिर आते ही एक और लड़की मिल गई जिससे मैं सजेशन लेता ना, ओ बोली भाई सुन मेरे को जो है ना हॉस्टल का क्या बोलते हैं इसका बिल चुकाना है, मेरे को 7000 पे कर दिया। मैंने बोला इसको पे करना है उसका अकाउंट नंबर पे, तब उसकी फट गई। वो बोली भाई नहीं उसका नंबर नहीं शेयर करते, ऐसे बोले राइट ना। तो गाइस आप ही बताओ अगर जिसका पे करना होगा ना भाई इसको पे क्विकली भेज दे भाई, बिना चल भेज दूंगा मैं कॉल। मैंने उसको बोला तेरा नंबर तेरा कॉन्टैक्ट उसको दे दे, तेरे जो अंकल है उसको दे दे राइट, भी नहीं दिया उसने। तो फिर मैं समझे भाई दाल में तो कुछ काला है जरूर, अपना भाई तो हमेशा जानता है। तो फिर ऐसे ही जानते जानते जान हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ भी कर ले। उसके बाद में आ गया सो गया 2 घंटा, अभी माइंड थोड़ा रिलैक्स है, अभी थोड़ा और रिलैक्स करना है। और इतना डिसाइड किया भाई पूरा फोकस अब डेली टू डेली एक वीडियो आ जाएगा हमारे इस पर और पढ़ाई के साथ भी। और अब अकल से इतना बकचोद होगा माधर चो भाई, उसने जितना किया है ना उतना तो भूल तो नहीं सकता, और कान में लन डालना तो नहीं भूलूंगा मैं कि भाई ये कासियत है। जिसने कान में लन डाला है ना उसकी कान में 2 लन डाल के छोड़ता हूँ, पता है गेम में भी छोड़ता हूँ रियल लाइफ में भी छोड़ता हूँ। वैसी बात है रियल लाइफ में घुसा है, हम रियल लाइफ में घुसेंगे जाके, उसने सबके सामने घुसाए, मुझसे सबके सामने घुसाए माधर क्या बोलते हो भाई। तो इसी के साथ आज का एक दिन का स्टोरी वाला यहीं पे एंड करते हैं। एक ब्लॉगिंग टाइप की था पर आपको एंटरटेनमेंट लगा होगा, बहुत सेक्सी वाला। अब आज हम गेम नहीं खेलने वाले क्योंकि हमारे कान में दम नहीं है गेम खेलने का, जब आ जाएगा तब खेलेंगे भाई। आज से बोर हो जाते हुए देख रहे हैं, ऐसे देखो इस साइड में फोटो वगैरह ऐसे ही देख के मुंह मारना पड़ा, और कुछ तो नहीं कर सकते, कंडम लगा के सेक्स भी तो नहीं कर सकते। देखो हेयर स्टाइल आपके भाई ने चेंज कर दिया, अभी क्या करें भैया। मॉर्निंग को माधर चोट क्या नहीं पता नहीं लन लगा के सेक्स सेक्स सेक्स, लेकिन जोश आ कहाँ से रहे माधर चोट, पढ़ाई में जोश लगा ना उतना, मेरा ड्रीम में लगा ना जोश, फिर सेक्स की तरफ क्यों अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन मेरे को पता चला क्योंकि जो चीज़ नहीं करते ना उसकी तरफ मैंने सोच लिया भाई मैं 300 रुपये देकर 1 घंटा चलो जरूर चाहूँगा, वही सबसे बेस्ट है। 300 रुपये 1 घंटा करो माधर चोट, किसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही बोलता हूँ भाई करना है तो अच्छे से करो सबके। मैं एक ही बोलना चाहूँगा लड़की को, भाई सुनो अगर काटना है ना उसको पहले अट्रैक्शन मत ही दो यार, सीधा ना बोलो भाई उनको नहीं करना है, बंदा इतना अपसेट नहीं होता राइट। यही बोलना चाहता हूँ मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपने कान में लन डालना है, कुछ मारनी है तो भाई कुछ भी करके मारो, अपने कान में पानी डाल के मारो भूसी के ऊपर, किसी को ऐसे मत क्या करो। बहुत दर्द होता, जब दर्द वाला बंदा खुद होगा ना, खुद को फीलिंग होगा ना तब पता चलेगा माधर चोट मेरा लंड क्यों मेरी क्यों इतनी बेचैन हो रही थी मार के। समझिए तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट समझो या अपने कान का लंड का समझो। फिर मिलते इसी के साथ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू ऑल गाइस। आपका भाई यहीं से विदा लेता है बिना किसी बकचोदी के, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते। तब तक के लिए बाय बाय लंडो, बाय बाय टाटा सी यू ऑल।